नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हेरिटेबिलिटी पार्ट वन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पर आकर या आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर जाकर इन लैंग्वेज में आप मेरे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। यह हेरिटेबिलिटी टॉपिक एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को कई भागों में बांटा है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, जनरल फीचर, मिथ और मिसकंसेप्शन, इम्पोर्टेंस, यूज, मेथड ऑफ एस्टिमेशंस, इन कई सारे पार्ट में मैं इस टॉपिक को आपके सामने चर्चा करूंगा, आपके साथ इन टॉपिक हेरिटेबिलिटी टॉपिक का चर्चा करूंगा। यह जो हेरिटेबिलिटी टॉपिक है, यह अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट और सही मायनों में कहा जाए तो एनिमल ब्रीडिंग का पिलर है। हेरिटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेलेक्शन में या एनिमल लाइव स्टॉक के इम्प्रूवमेंट में हेरिटेबिलिटी के कंसेप्ट को समझा जाना बहुत ही आवश्यक है। दिस वीडियो इज कंसर्न्ड विद द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनेटिक पैरामीटर, नेमली हेरिटेबिलिटी, विच प्लेज ए वाइटल रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लान्स फॉर एनिमल इम्प्रूवमेंट। तीन तरीके के जेनेटिक पैरामीटर होते हैं, हेरिटेबिलिटी, रेपिटेबिलिटी और जेनेटिक कोरिलेशन। इन तीनों में, तीनों के तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट हेरिटेबिलिटी है और हेरिटेबिलिटी का यूज़ ब्रीडिंग प्लान्स को के फार्मुलेशन में, एनिमल इम्प्रूवमेंट में, ब्रीडिंग प्लान के फार्मुलेशन में इस कंसेप्ट का काफ़ी योगदान है। एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस प्लान्स इज द चॉइस ऑफ पेरेंट्स टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑन विच द इम्प्रूवमेंट डिपेंड्स। किसी भी प्लान का लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट में, किसी भी जब हम प्लान को बनाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम पेरेंट को किस तरीके से सेलेक्ट करें, क्योंकि पेरेंट की जेनेटिक मेकअप के ऊपर ही जो नेक्स्ट जनरेशन का, प्रोजेनी जनरेशन की परफॉर्मेंस कंप्लीटली डिपेंड करता है। इस वजह से पेरेंट के सिलेक्शन किसी भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है और इस पेरेंट सेलेक्शन में हेरिटेबिलिटी का कंसेप्ट जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है और इसी बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक कैरेक्टर्स इन फार्म एनिमल्स दैट आर ऑफ कंसर्निंग टू ए ब्रीडर नॉर्मली सो कंटिन्यूअस वेरिएशन। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है कि फार्म पर जो जीन कैरेक्टर पर एक एनिमल ब्रीडर काम करता है, जो इकोनॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं वह मैक्सिमम कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं, वो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं। देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी इन दीज कैरेक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे आर ग्रोन। और यह जो वेरिएशन इकोनॉमिक ट्रेड्स में देखा जाता है, इनके पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं, एक तो जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस और दूसरा इन्वायरमेंट। इन दोनों की वजह से किसी फार्म में डिफरेंट एनिमल्स, इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस पाया जाता है परफॉर्मेंस के अंदर। फॉर सेलेक्शन टू बी इफेक्टिव इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ओनली द जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन शुड बी यूटिलाइज फॉर परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। इफ ऑल द वेरिएशन फाउंड इन द पॉपुलेशन इज बिकॉज ऑफ नॉन जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सेलेक्शन ऑफ फिनोटिपिकली सुपेरियर एनिमल्स विल नॉट रिजल्ट इन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन नेक्स्ट जनरेशन।
अब किसी भी सिलेक्शन के इफेक्टिव होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि जो हम सिलेक्शन करें वह जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन के बेसिस पर करें। इंडिविजुअल्स के बीच में, पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें वेरिएशन के दो कारण हो सकते हैं, एक जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन और दूसरा नॉन जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब सिलेक्शन किए जाने के पीछे यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा सिलेक्शन हो वह जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन के को मुख्य रूप से देखते हुए बनाया जाए। यदि हमने सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वायरमेंट की वजह से जो फिनोटाइप आता है उस इन्वायरमेंटल इफेक्ट के वजह से जो कन्फ्यूजन पैदा होता है, उस कन्फ्यूजन में फंसकर यदि हमने सिलेक्शन कर लिया, हमने ऐसे एनिमल की सिलेक्शन कर ली जिसका जो फिनोटिपिकली सुपीरियर है और वह सुपीरियरिटी इन्वायरमेंट की वजह से है, नॉन जेनेटिक फैक्टर की वजह से है, तो उस सिलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जो सुपीरियरिटी है इन्वायरमेंट की, अच्छे इन्वायरमेंट की वजह से, वह ट्रांसमिट नहीं होता है। सो एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग एनिमल्स इज दैट आउट ऑफ टोटल वेरिएशन फाउंड इन पॉपुलेशन हाउ मच ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम सेलेक्शन कर रहे हैं उसमें से, उस सेलेक्शन प्रोसेस में हमारा जो जेनेटिक वेरिएशन है वह कितना इम्पोर्टेंट है। हम जितना ज़्यादा जेनेटिक बेसिस पर सेलेक्शन करेंगे हमारा सेलेक्शन प्रोसेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड बाय हेरिटेबिलिटी, और इस चीज़ का एक क्वांटिटेटिव मेजर है कि हम जो सेलेक्शन कर रहे हैं उसमें जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन का क्या प्रोपोर्शन है, कितना हम जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन को हम तरजीह दे रहे हैं, कितना हम उसे जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएशन के ऊपर हमारा कितना फोकस है, इसको मेजर करने के लिए एक क्वांटिटेटिव मेजर है और उसे हम हेरिटेबिलिटी कहते हैं। सो हेरिटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हेरिटेबिलिटी के वैल्यू के बेसिस पर यह बता सकते हैं कि जो सेलेक्शन प्रोसेस हो रहा है उसमें हम जेनेटिक्स को कितना तरजीह दे रहे हैं, जीन के बेसिस पर हम कितना सेलेक्शन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से एनिमल सुपेरियर दिख रहा है और हम जो सेलेक्शन कर रहे हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन की वजह से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को डिस्टिंक्टिव करने में, इस चीज़ को सेपरेट करने में हेरिटेबिलिटी का कंसेप्ट काफ़ी यूजफुल होता है। हेरिटेबिलिटी अलाउज ए कॉम्पेरिजन ऑफ द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ जीन एंड इन्वायरमेंट टू द वेरिएशन ऑफ ए ट्रेट। हमने लास्ट स्लाइड में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया कि हेरिटेबिलिटी की वजह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है उसमें जीन का रिलेटिव इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा सिलेक्शन है वह इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है। जो अच्छे, जो फिनोटिपिकली जो हम जो समझ रहे हैं कि यह एनिमल काफ़ी अच्छा है, वह ऐसा तो नहीं है कि वह इन्वायरमेंट की वजह से अच्छा है। हमारा सिलेक्शन तभी सक्सेसफुल होगा यदि अच्छे एनिमल जो हमें देखने में प्रोडक्टिव लग रहे हैं वह प्रोडक्शन उसके जीन की वजह से आनी चाहिए, ना कि इन्वायरमेंट की वजह से। हेरिटेबिलिटी मेजर्स द डिग्री टू विच ऑफ स्प्रिंग रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स इन परफॉर्मेंस फॉर ए ट्रेड। बहुत ही साधारण शब्दों में यदि समझाना हो कि हेरिटेबिलिटी क्या है, तो हेरिटेबिलिटी एक मेजर है जो यह बताता है कि आने वाला ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कितना रिजेंबल करेगा।
इफ ए ट्रेट इज हाईली हेरिटेबल एनिमल्स विद हाई परफॉर्मेंस देमसेल्फ टेंड टू प्रोड्यूस हाई परफॉर्मिंग ऑफस्प्रिंग एंड एनिमल विद लो परफॉर्मेंस टेंड टू प्रोड्यूस लो परफॉर्मिंग ऑफस्प्रिंग। अब मैं फिर से पहले वाक्य को पढ़ना चाहूँगा ताकि वह ज़्यादा क्लियर हो। हेरिटेबिलिटी मेजर्स द डिग्री टू विच ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन परफॉर्मेंस फॉर ए ट्रेड। हेरिटेबिलिटी, साधारण शब्दों में हम हेरिटेबिलिटी को इस तरीके से समझा सकते हैं कि हेरिटेबिलिटी की वैल्यू को देखकर हम यह बता सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग, आने वाला ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कितना रिजेंबल करेगा। यदि हेरिटेबिलिटी हाई होगा, किसी ट्रेड की हेरिटेबिलिटी यदि हाई होगा, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यदि पेरेंट्स हाई परफॉर्मिंग होंगे तो उनके आने वाले बच्चे भी हाई परफॉर्मिंग होंगे। यदि पेरेंट्स की परफॉर्मेंस पुअर होंगी तो आने वाले ऑफस्प्रिंग की भी परफॉर्मेंस पुअर होंगी। ऑन द अदर हैंड, इफ ए ट्रेट इज नॉट वेरी हेरिटेबल, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ पेरेंट रिवील लिटिल अबाउट प्रोजेनी परफॉर्मेंस। अब रिजेंबलेंस ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग तभी शो करेगा जब हेरिटेबिलिटी हाई होगी। यदि हेरिटेबिलिटी का वैल्यू कम होगा, लो हेरिटेबल ट्रेट होगा, तो उस कंडीशन में पेरेंट का परफॉर्मेंस प्रोजेनी के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। हम पेरेंट के परफॉर्मेंस को देखकर यह प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि प्रोजेनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। फॉर ब्रीडिंग प्लान्स टू बी इफेक्टिव इट इज नेसेसरी टू नो द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिटेबल एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर। ऑलरेडी मैंने यह चीज़ें आपसे डिस्कस कर रखा है कि ब्रीडिंग प्लान्स इफेक्टिव होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, यह टोटली इसी पर डिपेंड करता है कि जो हम सेलेक्शन कर रहे हैं उसका बेसिस हेरिटेबिलिटी है, हेरिटेबल है या इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। यदि हमारा जो बेसिस है वह हेरिटेबल होगा, जीन होगा, जेनेटिक्स के बेसिस पर हम सेलेक्शन करेंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारा ब्रीडिंग प्लान है वह सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि हमारा जो ब्रीडिंग प्लान्स है उसमें इन्वायरमेंटल वेरिएशन की वजह से कन्फ्यूजन आ जाएगा, इन्वायरमेंटल वेरिएशन को हम यदि समझ नहीं पाएंगे तो हमारा जो ब्रीडिंग प्लान है वह फेल्ड हो जाएगा। ब्रीडर यूज दिस वेरिएबिलिटी फॉर गेटिंग इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कैरेक्टर्स थ्रू एफिशियंट सेलेक्शन स्ट्रेटजीज। अब ब्रीडर जो होते हैं वह समझ जाते हैं कि यह जो वेरिएशंस आ रहे हैं एनिमल में वह हेरिटेबल है, वह जीन की वजह से है या इन्वायरमेंट की वजह से है। तो जो ब्रीडर होते हैं वह इन चीज़ों को यूज करते हुए अपने सेलेक्शन प्लान को, अपने ब्रीडिंग प्लान को इनेक्ट करते हैं और वे जनरली सक्सेसफुल होते हैं अपने प्लान में। हेरिटेबिलिटी टेल्स द ब्रीडर हाउ मच कॉन्फिडेंस टू प्लेस इन द फिनोटिपिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एनिमल व्हेन चूजिंग पेरेंट्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। यह जो हेरिटेबिलिटी का कंसेप्ट होता है वह ब्रीडर को यह बताता है कि हमें फिनोटिपिक परफॉर्मेंस पर कितना कॉन्फिडेंस रखना है। किसी फार्म में जाकर हम सिर्फ एनिमल में फिनोटाइप देखते हैं और यह हेरिटेबिलिटी का वैल्यू हमें बताता है कि यह जो फिनोटिपिक वैल्यू है यह सही में एनिमल का परफॉर्मेंस बता रहा है या यह जो फिनोटिपिक वैल्यू है वह एक छलावा है, वह हमारे साथ छल कर रहा है, इसके बहकावे में नहीं आना है। यह जो कंसेप्ट है, यह जो चीज़ें हैं, यह हम हेरिटेबिलिटी की वैल्यू से समझ पाएंगे। यदि हेरिटेबिलिटी का वैल्यू लार्ज होगा, यदि हाई हेरिटेबल ट्रेट होगा, यदि हेरिटेबिलिटी की वैल्यू 0.4 से ज़्यादा होगा, तो सिर्फ उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप का जो वैल्यू है वह गुड इंडिकेटर है जेनेटिक मेरिट का, ब्रीडिंग वैल्यू का। यदि हेरिटेबिलिटी का वैल्यू हाई है तो फिर हम कॉन्फिडेंस रख सकते हैं एनिमल के ऊपर। यदि हेरिटेबिलिटी का वैल्यू लो है
तो जो फिनोटिपिक वैल्यू है वह एक छलावा है, छल है, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यदि हेरिटेबिलिटी की वैल्यू 0.15 से कम है तो फिर पेरेंट का जो परफॉर्मेंस है वह प्रोजेनी की परफॉर्मेंस को नहीं बताएगा। उस कंडीशन में हम कोई और प्लान बनाएंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। यह जो फिनोटिपिक वैल्यू है वह उसकी ब्रीडिंग वैल्यू को नहीं बताएगा। ट्रेट विद लो हेरिटेबिलिटी इंक्लूड्स दोज रिलेटेड टू फर्टिलिटी सच एज लैम्बिंग, काविंग एंड फॉलिंग परसेंटेज, लिटर साइज इन स्वाइन, डॉग, कैट्स एंड हैचेबिलिटी इन चिकन। जनरली जो लो हेरिटेबल ट्रेट्स होते हैं उनमें इंक्लूड होता है फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन से जो रिलेटेड ट्रेट होते हैं वह लो हेरिटेबल होते हैं। इस वजह से रिप्रोडक्टिव ट्रेट जो है, फर्टिलिटी से रिलेटेड जो ट्रेट होते हैं उनके फिनोटिपिक वैल्यू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जनरली नहीं देखे जाते हैं। यदि पेरेंट का फर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव वैल्यू अच्छा है या खराब है उस पर प्रोजेनी का परफॉर्मेंस जनरली डिपेंड नहीं करता है। प्रोजेनी का जो परफॉर्मेंस होता है वह इन्वायरमेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है लो हेरिटेबल ट्रेट में। इस वजह से यदि हम फिनोटिपिक सेलेक्शन करते हैं तो वह फेल्ड हो जाएगा। इस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें इन्वायरमेंट को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता होती है। रिप्रोडक्टिव ट्रेट में यदि इम्प्रूवमेंट लाना है तो जेनेटिक सेलेक्शन के बजाय यदि हम इन्वायरमेंट को अच्छा करें तो हमें रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आएगा। मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ट्रेट मेजर्ड एट वीनिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेट विद मीडियम एस्टिमेट्स ऑफ हेरिटेबिलिटी। मिल्क प्रोडक्शन ट्रेट, ग्रोथ ट्रेट, ये जो ट्रेट होते हैं ये जनरली मीडियम वैल्यू हेरिटेबिलिटी के रखते हैं। इस तरीके के जो ट्रेट में हम जेनेटिक सिलेक्शन कर सकते हैं। हाई हेरिटेबल ट्रेट्स इंक्लूड दोज मेजर्ड इन एनिमल व्हेन दे आर मोर मैच्योर सच एज कार्कस ट्रेट एंड मैच्योर वेट। हाई हेरिटेबल ट्रेट्स वैसे ट्रेट होते हैं वो तब अपीयर होते हैं जब एनिमल मैच्योर हो जाता है, जैसे कार्कस ट्रेट या मैच्योर एनिमल का मैच्योर वेट। इस तरीके के जो ट्रेट होते हैं वह हाई हेरिटेबल होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हेरिटेबिलिटी का फर्स्ट वीडियो में हमने हेरिटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। आगे की वीडियो में हेरिटेबिलिटी से जुड़ी हुई कुछ और कंसेप्ट को देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसके मिसकंसेप्शंस देखेंगे, उसके यूज़ इम्पोर्टेंस कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करें, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।